मंगलवार को केंद्र और छह राज्यों के बीच उत्तराखंड की लखवाड़ परियोजना बनाने को लेकर एमओयू साइन किया गया। इस परियोजना से दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में पानी की कमी पूरी होगी, वहीं उत्तराखंड को बिजली मिलेगी। अगर उत्तराखंड में बनने वाली लखवाड़ा परियोजना में सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में दिल्ली और हरियाणा में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या नहीं रहेगी। इसी मकसद को लेकर केंद्र और छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच मंगलवार को एमओयू साइन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल रहे। इस मौके पर अपनी बात रखते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे देश में पानी की कमी नहीं है, उसकी नियोजन की कमी है, जिसके चलते कई लोगों को पानी नहीं मिल पाता। इस परियोजना को नीति आयोग ने 1976 में ही मंजूर कर लिया था, जिसके बाद इस पर 1994 तक 30% काम भी हुआ, लेकिन उसके बाद उसका काम बंद हो गया। लेकिन इस एमओयू के साइन होने के बाद अब एक बार फिर इस परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। इस 212 मीटर ऊंची परियोजना के बनने के बाद गर्मी के दिनों में जब उत्तराखंड सरकार बिजली बनाएगी तो उसके बाद छूटने वाले पानी से दिल्ली और हरियाणा को पानी मिल सकेगा। इस परियोजना से जिन दो राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा उनमें दिल्ली और हरियाणा शामिल है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बाकी राज्यों की तरह इनमें भी बड़ी समस्या हो जाती है। हमारे मंत्री थे, उनसे मेरी बातचीत हुई थी और आश्वासन दिया गया था उस समय डिपार्टमेंट की ओर से कि इस विषय को बहुत जल्दी हम सुलझाएंगे। आज खुशी है कि सभी छह मंत्रियों के बीच में एक एमओयू हो गया, समझौता हो गया है और उसके कारण से भी योजना शुरू होगी। इसका पानी का जो बड़ा हिस्सा है, 47% पानी जो है वो हरियाणा के उपयोग में आएगा, बाकी 53% बाकी पांच प्रांतों में बटेगा। तो 47% पानी है जो हमें मिलेगा, तो निश्चित रूप से कई विवाद जो है अंतर्राज्यीय जो है वो भी निपटेंगे और हरियाणा के लोगों की यानी पानी की जो मांग है वो पूरी होगी, खास करके दक्षिण हरियाणा का लाभ मिलेगा। इस परियोजना के फिर से शुरू होने के बाद अब कई पुरानी परियोजनाओं के फिर से शुरू होने की उम्मीद जग गई है, जिसमें केन वेतवा परियोजना शामिल है। भारत सरकार पाकिस्तान की ओर जाने वाले कई नदियों में अपने हिस्से के पानी को लाने के लिए काम भी कर रही है। अब देखना यह होगा कि जितनी गर्मजोशी के साथ ये साइन हुए हैं उसके बाद ये परियोजना कब तक पूरी हो पाती है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। ललित नारायण कांडपाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ललित, जल संकट एक बड़ी समस्या है बहुत से राज्यों की, खासतौर पर दिल्ली हरियाणा की बात की जाए, अगर लखवाड़ परियोजना की शुरुआत होती है तो दिल्ली हरियाणा को बड़ा फायदा। आप तक आवाज पहुंच रही ललित? आज केंद्र और छह राज्यों के बीच उत्तराखंड की लखवाड़ परियोजना बनाने को लेकर एमओयू साइन हुए हैं। ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी। लखवाड़ परियोजना जो है वो एक कह सकते हैं एक बड़ी योजना, खासतौर पर पानी की समस्या से निपटने के लिए। जी बिल्कुल, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी परियोजना है और अगर ये परियोजना समय पर पूरी हो जाती है और अगर भविष्य में इसमें किसी तरह का संकट पैदा नहीं होता है तो निश्चित तौर से 5-6 राज्यों की जो पानी की समस्या है वो अपने आप में हल हो जाएगी, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। तो ये जो इस पूरे प्रोजेक्ट से जो बिजली पैदा होगी वो अकेली उत्तराखंड सरकार को जाएगी, जो कि तकरीबन 30 मेगावाट बिजली पैदा होनी है। और इसके अलावा जो बिजली बनाने के दौरान जो पानी छोड़ा जाएगा, उस पानी के छोड़े जाने के बाद से पीने का पानी जो है दिल्ली, हरियाणा जैसे शहरों में पहुंच सकेगा। तो कुल मिलाकर जो गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि पानी की बड़ी समस्या हो जाती है, उससे लोगों को काफी राहत मिल पाएगी। जी शुक्रिया आपका ललित नारायण कांडपाल जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं दक्षिण का। तमिलनाडु में डीएमके की सियासत में 49 साल के बाद मंगलवार को नेतृत्व परिवर्तन हुआ। एम करुणानिधि के निधन के बाद उनके बेटे एम के स्टालिन को अध्यक्ष चुन लिया गया। तमिलनाडु की राजनीति में आज 49 साल बाद पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री
एम करुणानिधि के निधन के बाद उनके बेटे एम के स्टालिन औपचारिक रूप से पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। स्टालिन लंबे समय से बतौर कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी को चला रहे थे। पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ स्टालिन ने ही नामांकन किया था। अभी तक डीएमके के इतिहास में स्टालिन पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने वाले दूसरे ही नेता हैं। इससे पहले करुणानिधि 49 साल तक पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। गौरतलब है कि उनके दिवंगत पिता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के बीमार रहने की वजह से अधिकांश समय घर में ही बिताने पर स्टालिन को जनवरी 2017 में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इस बीच स्टालिन के भाई अलागिरी ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पार्टी में जगह नहीं मिलती है तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। स्टालिन के बड़े भाई एम के अलागिरी, जिनको उनके नेतृत्व का विरोध करने को लेकर करुणानिधि ने पार्टी विरोधी कार्य में लिप्त रहने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, कयास लगाए जा रहे हैं कि एम के अलागिरी उपचुनाव में द्रमुक विरोधी कार्य कर सकते हैं। एक तरफ स्टालिन ने पार्टी की कमान संभाल ली है तो वहीं दूसरी तरफ अलागिरी ने आने वाली 5 सितंबर को एक बड़ी रैली बुलाई है और इस रैली के साथ ही वो अपनी भविष्य की रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि एम के स्टालिन के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है और अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके सामने पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने की चुनौती होगी। पार्टी से निष्कासित उनके भाई अलागिरी ने दावा किया था कि करुणानिधि के सच्चे निष्ठावान कार्यकर्ता उनके साथ हैं। अलागिरी को 2014 में करुणानिधि ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। वो स्टालिन के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अलागिरी का कहना है कि डीएमके के निष्ठावान कार्यकर्ता उनके साथ हैं, मगर उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया। ऐसे में पार्टी को जोड़कर रखना स्टालिन के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती होगी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। वहीं केरल में आई भयानक आपदा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उन बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे जहां तक सबसे ज्यादा लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, उनसे बातचीत भी की। केरल में आई भयानक बाढ़ के बाद आपदा प्रभावित लोगों का हाल जानने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को केरल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां पर राहुल चेंगन्नूर स्थित रिलीफ कैंप में गए और बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनका दर्द जानने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एयर एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए इंतजार किया, साथ ही उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए एयर एम्बुलेंस पर जा रहे शख्स को प्राथमिकता दी जाए। आई केम एंड विजिटेड योर हाउसेस, आई स्पोक टू यू एंड आई मस्ट से लुकिंग बैक आई वॉज नॉट हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ हेल्प यू रिसीव्ड for the damage that was done during the cyclone. Fishermen together with farmers have a very uncertain life. You go out into the sea, but you never know what you are going to come back with, how much fish you will actually be able to catch. There is a significant amount of risk that you face every single day in your life. The ocean is a dangerous place and you face its wrath many, many times. But today, very much like farmers, fishermen are also in a very difficult position. And I am proud to say that through all your difficulty, through all your hardship, when Kerala needed you, you stood up and showed Kerala what you're made of. केरल में आई इस बाढ़ को सदी की सबसे भयानक आपदा के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल में आई बाढ़ को लेकर इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए केरल के साथ भेदभाव करने की बात कही है। हाउ वी शुड स्टैंड बाय यू लाइक यू स्टूड बाय द पीपल ऑफ केरला। आई एम वेरी क्लियर हाउ वी शुड डू दिस। द मोमेंट ए कांग्रेस गवर्नमेंट कम्स एट द सेंटर, वी आर गोइंग टू मेक अ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरमैन फॉर यू। गॉड्स ओन आर्मी will have its own ministry. So, your problems can be looked after, your voice can be heard at the national level. I don't like to make fake promises, so you can take this as a commitment that the Congress president is telling you, if a Congress government comes in Delhi, you will have your ministry. And just like our farmers, see, many times in our speeches we say that farmers need protection.
We say that farmers have helped build this country. But we must also add to that, that if farmers have helped build this country, then our millions of fishermen have also helped to build this country. I would like to end by thanking you once again for the hard work that you have done. When Kerala needed you, you came out and you stood by Kerala. It is an honor for me to felicitate you. गौरतलब है कि केरल में आई जल त्रासदी ने लाखों लोगों को सड़कों पर ला दिया है। कुछ जल प्रलय को देखकर रिलीफ कैंप पहुंचे तो कुछ अन्य राज्यों की ओर पलायन भी कर चुके हैं। केरल की मदद के लिए पूरे भारत के लोग एकजुट होकर खड़े हुए हैं और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए दान कर उनकी जिंदगी को पुराने ट्रैक पर लाने की उम्मीद कर रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का दौर जारी है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 16 सितंबर तक सीटों के बंटवारे को लेकर घोषणा कर दी जाएगी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का कहना है कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच पिछले महीने हुई बातचीत में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर एक हद तक सहमति बन चुकी है। नारायण ने कहा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले बाकी घटक दलों से भी बात होगी। उन्होंने कहा कि अब जब जल्द ही बीजेपी के साथ अंतिम चरण की बातचीत होगी, जिसके बाद संख्या के बारे में घोषणा की जाएगी। नारायण का कहना है कि हमें उम्मीद है कि अगले महीने तक सीटों का मुद्दा सुलझ जाएगा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले महीने इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। दरअसल जदयू ने 16 सितंबर को राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, इसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। कयास लगाया जा रहा है कि तभी सीटों की घोषणा हो सकती है। मांग करने वालों को कम ही मिला है, मांग न करने वालों को घर पे संतोष तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संतोष, 2019 की तैयारियां शुरू हो गई और यही वजह है कि सीट शेयरिंग का दौर शुरू हो चुका है। लग रहा है इस वक्त जो है राजनीतिक पार्टियां पूरा अब जो है चुनावी मूड में आ गई है। हाल के दिनों में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया कि यदुवंशी और कुशवंशी को लेकर जो है खीर बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, उसके बाद जो है इसका तुरंत जवाब देते हुए बिहार के मंगल पांडे जो बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अपना बयान दिया कि खीर किसी का भी बने लेकिन एनडीए का ही खीर वह खीर होगा। तो राजनीतिक दलों में सीटों को लेकर और बीजेपी के तरह जो है बीजेपी के एनडीए और महागठबंधन को लेकर जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह जो है बयान दिए हैं कि आ गए उपेंद्र कुशवाहा तो पहले से ही जो है तैयार हैं, और मौसम वैज्ञानिक का नाम लिया जिन्होंने रामविलास पासवान का नाम लिया और कहा कि वो सारे लोग जो है महागठबंधन के साथ आने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महागठबंधन जो है वह डूबते हुए जो एनडीए का जो है डूबते हुए नाव है उस पर सवार कोई होना नहीं चाहेगा। जो भी घटक दल है एनडीए का वह सारे लोग जो है महागठबंधन के तरफ जो है भाग रहे हैं। शुक्रिया आपका संतोष इस खबर पर जानकारी देने के लिए। उधर राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बार फिर सपा और आजम खान पर निशाना साधा है। आजम के भारत में रहने पर भी अमर सिंह ने सवाल उठाए हैं। फेसबुक पर चंद रोज पहले वीडियो अपलोड कर सपा और आजम खान पर बरसने वाले अमर सिंह ने आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित किया। अमर सिंह आज पूरी फॉर्म में थे। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव को भी नहीं बख्शा और कहा कि आजम खान तो उनके राजनीतिक दत्तक पुत्र हैं। अमर सिंह ने कहा कि मुलायम का जन्मदिन मनाने के बाद आजम खान ने खुलेआम कहा था कि हमें दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम से पैसे मिलते हैं। अमर सिंह ने कहा कि मैं अब्दुल हमीद जैसे मुसलमानों का समर्थक हूं, लेकिन महिलाओं की असमत से खेलने वाले मुसलमानों का घोर विरोधी हूं। अमर सिंह ने कहा कि आजम खान भारत में क्यों रहते हैं, वो तो भारत माता को डायन कहते हैं। उन्होंने कहा आजम खान की खून की प्यास नहीं बुझी है और मैं 30 तारीख को आ रहा हूँ 12 बजे, वही गेस्ट हाउस में आऊंगा। मेरी कुर्बानी ले लीजिए, मेरी मासूम बेटियों को छोड़ दीजिए। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पद पर आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ आयुष्मान अखिलेश यादव के बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मुलायम सिंह के घर की सारी जवान बहुओं के अच्छे भविष्य की सौभाग्य की कामना करते हुए, आजम खान की पत्नी को बहुत इज्जत देते हुए, आजम खान के दूरपास की सारी
महिलाओं का सम्मान करते हुए मैं आजम खान से अपील करता हूँ, मेरी मासूम बेटियों को तेजाब से मत जलाओ, उनको काटो मत। तुम्हें मेरा लहू चाहिए, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, आ रहा हूँ आजम खान, बकरी में तुमने बकरी काटी होगी और पता नहीं क्या क्या काटा होगा। 30 तारीख को 12 बजे मैं मौत के साथ अपॉइंटमेंट करके कुर्बानी का तुम्हारे बलि का सामान बनने के लिए आ रहा हूँ। मेरी गर्दन काट लेना, अपनी रक्त पिपासा को, रक्त पिपासू दैत्य आजम खान, अपनी चूल्हा की आपूर्ति कर लेना। अमर सिंह ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी करार देते हुए उस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लोहिया जी ने पार्टी में अपने परिवार के किसी सदस्य को स्थान नहीं दिया था, लेकिन यहाँ तो पूरी पार्टी ही परिवार से भरी पड़ी है। अमर सिंह ने चुटीले अंदाज में कहा कि जिस तरह बेटी के जवान होने पर वर ढूंढा जाता है, वैसे ही सपा परिवार में बच्चों के बड़े होने पर क्षेत्र ढूंढा जाता है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेगा। उसके पहले की घटना है, लेकिन इसके बावजूद नाना जी ने मुलायम सिंह जी को और मुझे अपने घर में रखा था और अपने समर्थकों से नमाजवादी पार्टी का कार्यक्रम करवाया था। ये बड़ा दिन था। लोहिया जी ने अपने किसी बेटे और परिवार के लोगों को स्थान नहीं दिया था। यहाँ तो यदुकुल में मसे फीकी नहीं, जैसे लड़की से आनी होती है तो लड़का ढूंढा जाता है, यदुकुल में लड़कों की मसे फीकती है, मुंह से रखा आता है, खोजो 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 क्षेत्र खोजो, लड़का जवान हो रहा है। एक के बाद एक अमर सिंह जिस तरह से सपा और आजम पर बरस रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अमर सिंह की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं, जो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकती हैं। त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने आधिकारिक बैठक में अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। ज्ञापन के मुताबिक अधिकारी जींस और धूप के चश्मे लगाने से बचें, इस ड्रेस कोड का सख्ती से पालन का निर्देश दिया गया है। त्रिपुरा की सत्तारूढ़ बीजेपी आईपीएफटी सरकार ने अधिकारियों के पहनावे को लेकर नया फरमान जारी किया है। इस संबंध में एक ज्ञापन भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान अधिकारी जींस, डेनिम वियर और धूप के चश्मे लगाने से बचें। मुख्य सचिव सुशील कुमार ने ये ज्ञापन जारी किया है। इसमें राज्य स्तरीय आधिकारिक बैठकों में ड्रेस कोड का पालन करने के लिए कहा गया है। मेमोरेंडम में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट जिला प्रमुख होने के नाते एडीएम को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि राज्य स्तर की आधिकारिक बैठक में जिनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव करते हों या अन्य उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठकों के संबंध में ड्रेस कोड का पालन हो, ये मेमोरेंडम 20 अगस्त को जारी किया गया है। कुमार ने ज्ञापन में दावा किया है कि उनके पास भारत सरकार में 3 दशकों तक काम करने का अनुभव है और अभी तक आईएएस या केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी को कैजुअल ड्रेस पहने हुए कार्यालय में नहीं देखा गया है। इस ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि कुछ अधिकारी बैठक के दौरान अपने मोबाइल फोन पर मैसेज पढ़ते हैं और भेजते हैं, जो कि अपमान का प्रतीक है। पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार के कार्यकाल में अफसरों को जेब से हाथ बाहर रखने के निर्देश थे। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष तापस डे ने कहा है कि ये आदेश सरकार की सामंती मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये एक सामंती मानसिकता है, सरकार ने बुनियादी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया है, ये सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है। अधिकारी सरकार के इस फरमान का कितना पालन करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल विपक्ष सरकार पर जरूर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने मंगलवार को सेना के वाहन को आईडी से निशाना बनाया। यही नहीं, इसके बाद आतंकियों की ओर से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई। इस पर जवानों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी सेना को अपना निशाना बना रहे। मंगलवार सुबह घाटी के पुलवामा में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट किया। आतंकियों ने पुलवामा के नौपारा इलाके में इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद आतंकियों की ओर से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई में आतंकियों पर फायरिंग की, जिसके बाद सेना को खुद पर हावी होता हुआ देख आतंकी छुपने को मजबूर हुए। आतंकियों के हमले के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया और आतंकियों की तलाश में अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हाल ही में 24 अगस्त को भी आतंकवादियों ने अनंतनाग में जवानों पर हमला किया था। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया था। पकड़े गए आतंकी के पास से हथियार और भारी मात्रा में बारूद बरामद किया गया।
पिछले कुछ समय से आतंकियों ने घाटी में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब आतंकी आम नागरिकों पर हमले के अलावा सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं से सबसे ज्यादा आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।